नैनीताल के दूरदराज के गांवों के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की सुविधा ग्रामीण बच्चों के लिए संजीवनी बनी है। इस घोड़ा लाइब्रेरी के पीएम मोदी भी मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी को सराहा। दरअसल नैनीताल जिले के कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। वाकया नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड के गाँव का है, जहाँ हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों तक बाल साहित्य पुस्तकें पहुँचाने का जिम्मा लिया है। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। हिमोत्थान के शुभम बधानी ने बताया कि दूरस्थ पर्वतीय गांव में ना सड़क है, ना जाने की कोई अन्य सुविधाएं। कुछ पगडंडी रास्ते हैं, लेकिन वो भी भूस्खलन की मार झेल रहे हैं। ऐसे में हिमोत्थान ट्रस्ट द्वारा पर्वतीय गांव के युवाओं एवं स्थानीय शिक्षा प्रेरकों की मदद से घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। प्रत्येक 4-5 दिन के बीच पर्वतीय गांव में घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है।